बुनियादी चीज है लोगों को बताने के लिए कि आप कोशिश रहिए, जागरूक रहिए और वही थोड़ा दूरी बना करके चलिए, तो उससे आपको सबसे अधिक बचाव कि कोई प्लेन आया भी तो उसमें लोग नहीं थे, कम थे और अब तो कभी भी बंद हो गया है, तो वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन आप चीज के बारे में कैसे सोच रहे हैं, हो सकता है कोई भी आए, किसी भी प्रकार से आए, आपको उसके बारे में जानकारी बाद में हो। आप तो एयरपोर्ट पर कॉशस हैं, आप तो रेलवे स्टेशन पर कॉशस हैं, लेकिन उसके अलावा कोई कहीं से आता है तो सजगता रखना है। उसको आप कैसे कर सकते हैं कि आप बच जाइए, बोध गया में बच जाइए या कहीं बच जाइए, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भीड़ न हो, और ऐसी स्थिति रहे कि एक डिस्टेंस के साथ लोग कहीं अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सच बहुत है। पता भी कहीं बाहर से आ रहा है, फोन आया, अब कल ही पता जो चल रहा था बेतिया मोतिहारी के बारे में, तो सब रात तक जा करके पता चल गया। तो कहने का मतलब है लोग सजग हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम जरूर प्रार्थना करेंगे सब लोगों से कि भाई इस बात में डरिए मत, लेकिन सजग जरूर है। बाहर से आ रहे हैं तो एक बार जांच हो जाने में क्या दिक्कत है, ये आपके हक में भी और सबों के हक में भी। इसलिए कभी किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में भी जो इंतजाम करना जरूरी है, अलग लोगों को रखना, उसके लिए किया जा रहा है। और कुछ लोग जो बाहर से आएंगे तो उनको पृथक रखना है, जो क्वारंटाइन की बात होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जहद, राज्य सरकार के अधिकारियों ने मिलकर के जगह का चयन किया, पंडित प्रभुपुर का, उसका भी पूरा साफ सफाई सब कर लेंगे। और उसके बाद ये कुछ जगह उपलब्ध रहेगा कि जिसमें कुछ दिनों तक लोगों को बाहर रखना है तो रखा जा सकेगा, वो भयभीत रहना नहीं, सजग रहना। और उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम लोग थोड़ा अभी बच कर रहें, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, तो यही सबसे बड़ा उपाय है। और जहाँ तक सवाल है, कोई अगर बीमार पड़ेगा तो जो भी उसका लक्षण उस पर इलाज होता है, ये तो वायरस चीज है, कोरोना वायरस है और दुनिया भर में फैला हुआ है, तो इसको लेकर के इसी को ध्यान में रख करके, एक तरफ जब हम लोगों ने स्कूल कॉलेज और इन सब चीज़ों को बंद किया, उसी को ध्यान में रख करके सर्वदलीय मीटिंग हुई विधानसभा विधान परिषद में, सब लोगों ने ये सोचा कि नहीं ठीक है, एक ही जगह फिर बहुत लोग बैठेंगे और यही सिलसिला जारी रहेगा। अगर कहीं किसी को कुछ हो गया तो फिर बहुत परेशानी होगी और शिकायत। आप जो हम लोगों के नोटिस में, जानकारी में, अब कहाँ तक वो बात बिल्कुल एक्यूरेट है हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात आई है कि भाई 35 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो उसका फिर फैलने का खतरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोगों का मार्च में ही, तो मार्च एंड तक तो इसलिए तो हम लोग किए हैं कि अप्रैल में तो फिर दिन में 35 डिग्री रहेगा ही, तो उम्मीद वही है हम लोगों को। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।